तो हेलो गाइस, ये कपड़ा आप देख रहे हैं ये मैं मार्केट से लेके आई थी अपने लिए एक कुर्ती बनाने के लिए। तो ये कुछ जॉर्जेट टाइप का कपड़ा है और लग तो ऐसा रहा है जैसे चिकनकारी होगा, लेकिन ये चिकनकारी नहीं है, ये जॉर्जेट है और इसमें थ्रेड वर्क हो रखा है। तो देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर कलर है। तो मैं इसे एक कुर्ती बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा लगता है बन के, तो आप बने रहे मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने एक कुर्ती दिखाई थी, तो मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ और इसकी कटिंग मैंने कर ली थी और देख सकते हो इसकी मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने पिन से इसे अटैच कर लिया है और अब मैं इसमें स्टिचिंग करूँगी और फिर मैं इसको पीछे की साइड पलट दूँगी। तो देखो, मैंने गला सिल लिया है और ये कुछ इस तरह का प्रिंट वाला कपड़ा था मेरे पास जिसे मैंने अंदर की साइड कर लिया है। और इस वाले कपड़े को अगर मैं इस पे गला बनाती तो ये बहुत मोटा हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा प्लेन कपड़ा मिला नहीं मैम, तो ये मेरी किसी सूट का बचा हुआ कपड़ा था तो उसको मैंने इस तरह से इसमें लगा लिया। और अब मैं जब इसको पलटूंगी ना तो ये इस तरह से देखिए ये प्लेन आएगा अंदर की साइड वाला, तो इसे मैंने अंदर रख लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, कट कर लेती हूँ अंदर की साइड से, इसे आधा आधा इंच छोटे कट करना है। और अब मैं इसमें ना छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी, छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी मैं इसके यहाँ 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 कुछ इस तरह से इस तरह से। तो मैंने इसमें ये कट्स लगा लिए हैं, देख सकते हो आप, ये मैंने कट्स लगा लिए इसमें और अब मैं इसको इस तरह से पलट लूँगी अंदर की साइड, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, आजकल इस कुर्ती का बहुत ट्रेंड है, ये नेक टाइप की कुर्ती है और इसके अंदर आपको ना इनर पहनना पड़ेगा ताकि इसका जो बहुत ट्रांसपेरेंट है ये, तो इसमें आपको इनर भी पहनना पड़ेगा। या तो आप इसमें अटैच कर सकते हो या फिर अलग से ले सकते हो या सिल सकते हो। तो अब मैं इसमें स्टिच कर लूँगी इसको ना, इस गले को मैंने ऐसे मोड़ लिया, देखो ये पट्टी ना, पट्टी अंदर की साइड ऐसे मोड़ ली है और देख सकते हो। अब मैं इसमें स्टिच करूँगी और ये वी शेप का मैंने नेक बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊँगी इसे सिल के कैसा लगता है, ठीक है। ये इस तरह का नेक है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, देखो। और इसकी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से आ रखी है और इसकी बैक साइड आप देखो जो प्रिंट था ना, तो देखिए वो प्रिंट भी नहीं दिख रहा है। तो आप भी इसी तरह से किसी मिलते जुलते कपड़े से भी अपने तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें नहीं दिख रहा, देखो बिल्कुल हल्का सा डिफरेंट है, बाकी अंदर की साइड रहेगा तो फिर दिखेगा भी नहीं आपका नेक ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये नेक है, देखिए। और गाइस, इसके बाजुओं को भी मैंने देखिए ऐसे बना रखा है इस तरह का, ये लॉन्ग स्लीव है, तो आपको मैं इतनी दिखाती हूँ पहन के। तो देखिए इसकी जो स्लीव है ना, तो इसमें इस तरह से चुन्नटें आएंगी और ये देखिए कुछ इस तरह से ये होगी और यहाँ पर ना चुन्नटें आएंगी, चुन्नट आएंगी यहाँ पे कुछ इस तरह का। और अभी इसे मैं ना कटिंग करूँगी यहाँ पर, फिटिंग अच्छी से देखूँगी कि किस कैसी फिटिंग आती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मेरे वीडियोस कैसा लगा ये वीडियो तो आप जरूर बताएं। तो ये फ्रंट नेक तो मैंने तैयार कर लिया है और अब है बैक नेक, तो बैक नेक को भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, सिंपल ही बनाऊंगी गोल नेक। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका बैक नेक तैयार करूँगी और इसमें फिटिंग की सिलाई दूँगी, तो आपको मैं इसको जब मैं ये सिल लूँगी तो मैं आपको इसे ज़रूर बताऊँगी कि ये कुर्ती मैंने स्पेशल क्यों ली है। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और इसको मैं किसके साथ पेयर करूँगी ये मैं आपको पहन के दिखाऊँगी। और आप मेरे साथ बनी रहें, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।